कमल श्रीमती कमल जैन रोहिणी, और बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं ऐसे। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देता है, जो करना चाहिए नहीं पता ही नहीं था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये समझ नहीं पाता और कर देता है। तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज श्री हमें मरने के बाद नेत्रदान, किडनी दान या लीवर दान आदि बहुत, या रक्तदान आदि हम करते हैं, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम जीवित अवस्था में बोल दें कि मेरे मेरे मरने के बाद दान कर देना, है? तो इसमें पाप लगता है तथा इसे करना चाहिए नहीं? तो ध्यान रखिए, जैन धर्म एक सनातन धर्म है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक वह चलेगा। जैन धर्म में मुख्य रूप से चार प्रकार के दान कहे हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। इसके अलावा भी सात प्रकार, सात स्थानों पर दान करने की बात कही जाती है, और कहीं पर दया दत्ति आदि जो है अनेकों भी आते हैं। लेकिन मेरा वहां पर जो कहीं पर भी जो है देह का दान, नेत्र दान या जो भी शरीर के अंग अवयव हैं उनके दान आदि की जो है कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई, ठीक है ना? ये हमारा जो है विशेष बात है, इसको जानना चाहिए। और दूसरी बात जो है, कई बार हम क्या करते हैं, भोसे बोले महाराज दया करना के बलीभूत होकर किसी का परोपकार आदि के उद्देश्य से जो है हम दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे भाव हैं, लेकिन आप उसका दूसरा भी पहलू देखिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति अंधा है और अंधा व्यक्ति है वो सीधा होता है, सच्चा होता है, किसी प्रकार के पाप नहीं करता, और मान लीजिए आपने मरने के बाद आपने तो दान कहा था कि आंख दान कर देना, और आपने वो दान आंख जो है दी, और उस व्यक्ति ने आंख, जिसको आंख मिली थी, जो पहले अंधा था, आंख मिल गई, और आंख मिलने के बाद जो है अब सब प्रकार के पाप कर रहा है। क्या कर रहा है? सब प्रकार के पाप कर रहा है, तो उस पाप के भागीदार कौन बनेगा? कौन बनेगा? जिसने आंख दी है उसको। ऐसे जो है किसी ने किडनी दान दी, किसी ने लीवर दान दिया, किसी की किडनी खराब हो गई थी और वह जो है किडनी खराब थी या खराब हो रही थी, तो उसने जो है पाप करना बंद, पाप नहीं किए या पाप करना बंद कर दिए। क्या कर दिया? मतलब हो सकता पहले शराब पी रखा था, गुटखा खाता था और भी जो अनेक प्रकार व्यसन करता था, और किडनी आदि का लीवर खराब होने से उसने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, बंद कर दिया। लेकिन हमने क्या किया, उस पर तरस खाकर, दया खा करके हमने क्या कर दिया, उस पर उसको किडनी दे दी, लीवर दे दिया आदि, और उसने क्या किया, किडनी लीवर मिला, अब जो है वह शराब पीने लगा, मांस मछली अंडे खाने लगा और अनेक प्रकार के व्यसन करने लगा, नशे करने लगा। क्या हुआ उससे, क्या हुआ उससे? उससे जो है उसको पाप लगे। इसलिए हमारे जैन धर्म में किसी प्रकार के दान के नहीं कहे गए हैं, तो इसलिए हमारे नहीं करना चाहिए। बाकी जो है हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी हाँ, कोई विशेष हम अच्छे कोई पात्र देखते हैं, कोई विशेष पात्र कोई अति आवश्यकता है, धार्मिक आदमी है और आगे वो कुछ ऐसा नहीं करेगा, तो बात अलग बात है। बाकी सबसे अच्छा है कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ओम नमः।